नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना जापानी सारंगी वादक नाकागावा सान की बातें। उनमें से जो विशेष बात उन्होंने कही वो थी कि संगीत के द्वारा आपके आंतरिक भाव को एक दिशा मिलती है और आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो में आज हम राग देश के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद नाकागावा जी के द्वारा बजाया गया एक सारंगी का परफॉर्मेंस आप सुन पाएंगे, और साथ ही साथ हम कुछ जापानी शब्द को भी सीखेंगे जो उन्होंने पिछले वीडियो में कहा था। तो चलिए पहले हम सीखते हैं पांच जापानी शब्द जो उन्होंने पिछले वीडियो में कहा था। पहला शब्द है ओंगाकुका, इसका मतलब है म्यूजिशियन या संगीतकार। दूसरा है कोतेन ओंगाकु, इसका मतलब है क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत। तीसरा है शुहो, इसका मतलब है मेथड या तरीका। चौथा है गाक्की, इसका मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र। और पांचवा और आखिरी है देनशा, इसका मतलब है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। अब आपको राग देश के बारे में मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं जितना कुछ मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वही आपको बताऊँगा। तो राग देश जो है वो औड़व संपूर्ण जाति का है, यानी आरोहण में सिर्फ 5 स्वर इस्तेमाल होते हैं और अवरोहण में 7.5 स्वर इस्तेमाल होते हैं। शुद्ध नी का प्रयोग आरोहण में होता है और कोमल नी का प्रयोग अवरोहण में होता है। और आरोहण में गंधार और धैवत यानी कि गा और ध वर्जित हैं। इस राग के गाने का समय शास्त्रकारों ने रात्रि के दूसरे प्रहर को चुना है, यानी रात के 9 बजे से 12 बजे तक का समय। इस राग में जो गाने कंपोज किए गए हैं उनमें से प्रमुख है वंदे मातरम, मेरा रंग दे बसंती चोला जो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में था, और बचपन में मैं अक्सर सुना करता था, दूरदर्शन पे आता था, बजे सरगम। तो ये गाना आपको मैं थोड़ा सुनाकर बताऊंगा ताकि आप राग देश के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाएं। बजे सरगम हर तरफ से, ताल कदमों पे जाए जाग, लब पे जागे गीत ऐसा, गूंजे बन कर देश तो अब सुनते हैं जापान के सारंगी वादक नाकागावा जी से उनके द्वारा राग देश में बजाया गया ये संगीत। Thank you.
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को ऐसे ही सहयोग और समर्थन देते रहिए ताकि ये और बढ़े। धन्यवाद।